हेलो फ्रेंड्स, तो आज आइए आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक एचसीएफ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है हमारा एचसीएफ टॉपिक चल रहा है। हमने अपनी पिछले की वीडियो में एचसीएफ का मेथड वन देखा था, लिस्टिंग द फैक्टर्स फॉर टू नंबर्स। वो हमने टू नंबर्स के बारे में देखा था। अगर किसी भी दो नंबर के फैक्टर्स एचसीएफ निकालने तो लिस्टिंग द फैक्टर जो मेथड है उसको कैसे अप्लाई करें, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आप सभी को दिख रहा है, मेथड वन ही देखेंगे, लिस्टिंग द फैक्टर्स फॉर थ्री नंबर्स। तीन नंबर से अगर हमारे पास हो और उसके हमको एचसीएफ निकालना, उसका एचसीएफ फाइंड आउट करना, तो उस समय हम ये मेथड कैसे अप्लाई करें। तो जिस किसी ने भी वो पिछली वीडियो एचसीएफ फॉर टू नंबर्स हम नहीं देखी, वो सारे वीडियो जाके देख सकते हैं। पर आइए आज की इस वीडियो हम देखते हैं फॉर थ्री नंबर्स। तो थ्री नंबर्स के लिए मेथड सेम एज इट इज है, सेम वही स्टेप्स फॉलो करना है, लेकिन कैसे करना है वो हम देखते हैं ना। तो आइए इसकी कुछ एक दो एग्जाम्पल देखते हैं और इसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा एग्जांपल वन एंड एग्जांपल टू, दो एग्जांपल हमने लिए और इन दोनों के हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। फॉर कौन से मेथड से, लिस्टिंग द फैक्टर्स। अभी थोड़ी देर के लिए एग्जांपल टू को भूल जाओ, फोकस करो अपना एग्जांपल वन पे। तो क्या लिखे, एचसीएफ ऑफ 12, 21 एंड 24। लास्ट की वीडियोस में हमने से दो नंबर के एचसीएफ फाइंड आउट किए थे, आज की इस वीडियो में तीन नंबर से करेंगे, है ना। तो जिस किसी को भी, अगर जो लोग भूल गए, तो आइए देखते हैं और ध्यान दीजिए कैसे करना। सेम स्टेप्स हैं, बस नंबर तीन है ना। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले तीनों नंबर्स के वन बाय वन फैक्टर्स लिखते थे। आप सभी को पता है फैक्टर्स, यानी अगर हम 12 की बात करें तो हमको वो सारे नंबर्स लिखने हैं जिसके टेबल में 12 आता हो, या फिर वो नंबर जो 12 से इजीली डिविजिबल हो, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले लिखेंगे 12, ध्यान दीजिए ना। 12 के फैक्टर्स लिखो, क्या क्या 12 के फैक्टर्स, क्या क्या, 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं, सही है। ये सारे वो नंबर्स हैं जो जिसके टेबल में 12 आता हो, या फिर इन सभी नंबर से 12 इजीली डिविजिबल है, तो उसको बोलेंगे फैक्टर्स। अब सेकंड बात कर लेते हैं 21, ध्यान दीजिए 21 के लिए क्या होगा, 21 के फैक्टर्स बोलो, हाँ। तो 1, 2 नहीं आएगा, 2 के टेबल में 21 नहीं आता है ना। 3 में आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5, 6, 7 में आएगा, है ना। अब आएगा 8, 9, 10 नहीं, अब डायरेक्टली आएगा 21 में। तो ये हमारा फैक्टर्स 21 का। ओके, अब हम लिख लेते 24 का, ध्यान समझिए ना। 24 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं देखते हैं। 1, 2, 3 आएगा, यस, 4, 6, 8 जितने भी नंबर का फैक्टर्स निकालना है हमें, है ना, उन तीनों नंबर्स को वन बाय वन एक एक करके क्या किया, उन सभी के फैक्टर्स बना लिए। यानी मेथड का नाम क्या, लिस्टिंग द फैक्टर। तो हमने सभी नंबर्स के फैक्टर के लिस्ट बना ली, फर्स्ट स्टेप ये था। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? अब सेकंड चीज हमको क्या करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स तो आ गए, कॉमन फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कॉमन क्या चीज है। तो देखो, ठीक है, अब वन देखो, इन तीनों में से कौन कौन चीज कॉमन है ना। तो आप देखेंगे वन कॉमन है, ठीक, और कुछ, टू कॉमन है इस 12 में और 24 में तो है, लेकिन इसमें नहीं है। तो हमारे पास 3 कॉमन है, सभी लोग दिख रहे हैं, देन और कुछ कॉमन है ना, 4 है लेकिन इसमें नहीं है, 6 है लेकिन इसमें नहीं, 12 है लेकिन इसमें। तो जो तीनों में कॉमन है ना, ऐसा नहीं किसी भी दो नंबर में, ऐसा नहीं, तीनों में जो भी नंबर कॉमन होगा वो होगा कॉमन नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स, सॉरी, है ना। तो ये हमारा आगे कॉमन फैक्टर्स। तो आइए लिख देते हैं, हमारे क्या आ गए कॉमन फैक्टर्स, क्या है, आपके सामने क्लियरली दिख रहा है, 1 एंड 3 है हमारे कॉमन फैक्टर्स, है ना। अब ये तो हमारे कॉमन फैक्टर्स, लेकिन हमको तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों नंबर्स में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन से, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो आप सभी को दिख रहा होगा सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 3 है। तो हमारा आंसर आ गया HCF, किसका HCF, किसका निकालना, 12, 21 एंड 24, 12, 21
एंड 24 का एचसीएफ का आ रहा है 3। सभी सभी है सभी को कैसे एचसीएफ फाइंड आउट करना, दिया हमारा फाइनल आंसर सर। सिंपल स्टेप है, वापस से बता दूं, वन बाय वन एक ही करके तीनों नंबर्स के फैक्टर्स की लिस्ट बना लो, तीनों में से कॉमन कौन सा है, तो हमने कॉमन फैक्टर ले लिया, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 3 है, तो वही हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल देख लीजिए ना, तो आपको और कुछ डाउट है तो वो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। फिर से वही चीज क्या करनी है, फर्स्ट स्टेप है वन बाय वन तीनों नंबर्स के, जो जो नंबर्स के हमको एचसीएफ निकाल, 12, 28 एंड 32, तीनों के वन बाय वन फैक्टर्स की लिस्ट बनानी है। तो ये स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 12, 28 एंड 32 इन्हीं की लिस्ट बनानी है। अब देखो 12 को देखते हैं किसके सबसे, अब देखिए 12 यहां भी था, तो ये एस 1 2 3 4 5 6 12 ये होगा, फैक्टर्स तो सेम रहने वाले। अब एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जितने बड़े वैल्यू आ रहे हैं उतने फैक्टर्स निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, थोड़ा सा ना, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। अब आ रहा है 32, तो 32 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना, तो वो क्या होगा, 1 2 4 6 8, अब कौन सा आएगा डायरेक्टली आएगा 16 एंड 32 सभी को। ये सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप था हमारा, सभी के फैक्टर्स की लिस्ट बन चुकी है, सही है? ठीक। अब क्या करना है हमको, कॉमन फैक्टर फाइंड करना, तीनों में जो कॉमन हो, तो आइए देखते हैं, 1 कॉमन है तीनों में, है ना, 2 क्लियरली दिख रहा है, सही है। नेक्स्ट कॉमन 3, नहीं 3 कॉमन नहीं, 4 तीनों में कॉमन है ना, 4 कॉमन है, 6 नहीं, 12 नहीं, बस अब बचे ही क्या कॉमन के लिए ना, तो हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए। तो आइए देखते हैं, ये तो हमारे जो है 1 2 and 4 क्या क्या बने आपके सामने क्लियरली, 1 2 and 4 कहीं भी डाउट हो तो बताइए ना, 1 2 and ये तो कॉमन फैक्टर्स हो गए, लेकिन हमको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सा आपको क्लियरली दिख रही होगी, और हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ किसका, 12 28 एंड 32 हो गया हमारा क्या, 4 सही है, ये हमारा फाइनल आ गया आंसर, सही है सभी को। तो हमने दो एग्जांपल लिए, और हमारा जो मेथड 1 था लिस्टिंग द फैक्टर्स फॉर 3 नंबर्स, उसको बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अगर अभी भी किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन हो रहा है ना, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर मिलेगा, है ना। लेकिन अब आपका क्या काम है ना, हमने क्या किया, देखो मेथड 1 अच्छे से समझ लिया, लिस्टिंग द फैक्टर्स फॉर 2 नंबर्स पिछली वीडियो में देखा था, और फॉर 3 नंबर्स इस वीडियो में देखा है ना, ऐसा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेथड 1 फॉर 2 नंबर्स की वीडियो की लिंक भी आपके सामने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, है ना, तो वो मेथड भी आप लोग जाके देख लीजिए। तो यहां तक आज की इस वीडियो में बस हम यहीं तक रखेंगे, है ना, आप सभी को समय है, बस अब आपका काम क्या है, मेथड 1 जो कि लिस्टिंग द फैक्टर्स, हमने 2 नंबर्स देख लिए, 3 नंबर्स, और मान लो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कितने नंबर्स का ही पूछ ले एग्जाम में या कहीं भी, तो आपको मेथड यही अप्लाई करनी है, बस नंबर्स बढ़ जाएंगे, यहाँ पर नंबर्स बढ़ेंगे ना, बाकी मेथड सेम अप्लाई करनी, तो बस आपका काम क्या है, प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना उस टॉपिक में आपको बहुत ही अच्छे समय में आएगा, है ना।
तो तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।